मैंने कहा भाई साहब मैं क्या करूं उसमें, हुआ क्या ये तो बोलो। बोले आपने ऐसी पिक्चर बनाई है, ऐसी पिक्चर बनाई है कि हर डायलॉग पे पैसे फेंके जा रहे हैं, इतने पैसे फेंक रहे हैं, पब्लिक पागल हो गई है, अभी इंटरवल के बाद भी ऐसा ही है या क्या है। और हमारे और सनी साहब, ना मैं विस्की पीता ना सनी सर पीते, हमारे बीच में तय हुआ था कि सर अगर गदर हिट हुई जैसा हम सोच रहे हैं तो सर एक एक पैग लेंगे। तो ताज में पार्टी रखी थी जी ने, हम मेट्रो से सीधा ताज गए और ताज में मैंने और सनी साहब ने पहला जिंदगी में पैग का चीयर्स किया। वो पैग, वो शराब का घूंट आज भी मेरे दिमाग में है। हाय, मैं हूं अनिल शर्मा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा। प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, ये बहुत ही कमाल का चैनल है, आपको बहुत एंटरटेनमेंट करेगा। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका बॉलीवुड हंगामा पे, एंड बहुत बहुत मुबारकबाद, 20 साल कंप्लीट हो गए हैं गदर के जी। तो आप कैसे, आपकी फर्स्ट आपकी मेमोरी क्या है जब ये पिक्चर थिएटर्स में लगी 15 जून को 2001 में, और जिस तरीके का इसने गदर मचाया इस पिक्चर ने, ये मेरे ख्याल से इट हैज बीन ट्रूली हिस्टोरिक। देखो क्या है, मुझे आज भी ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी अभी ये पिक्चर रिलीज हुई है और मुझे इतना एक्साइटमेंट हो रहा है, और कि जैसे आज 10-11 तारीख है और ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये 15 तारीख आ रही है और ये पिक्चर रिलीज हो रही है, उतना ही एक्साइटमेंट है। और हर जब भी 15 जून आता है यही एक्साइटमेंट रहता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी में 15 जून से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, क्योंकि उस दिन गदर रिलीज हुई थी। मुझे आज का सा याद है, थर्सडे था 14 जून को, और मैं अहमदाबाद से रात को प्रेस शो था वो खत्म करके, सुबह सुबह मैं और अमीषा बॉम्बे पहुंचे थे और सुबह सुबह 6-7 बजे पहुंच गए, और 6-7 घंटे मैं सुबह सुबह सो गया था, और 9:30 बजे फोन की घंटी बजी, 10 बजे होंगे और फोन की घंटी बजी और किसी का फोन आया, मैं सोफे पे ही सो गया था, बेड पे भी नहीं गया, वही बैठे बैठे सो गया था। एक्साइटमेंट था, शाम 14 जून की शाम को प्रीमियर था तो नींद कहाँ आएगी, तो फोन उठा लिया मैंने, कड़ंग कड़ंग उन दिनों फोन होता था जो हाउस फोन हुआ करता था, फोन उठाया, बड़ी सी आवाज थी, और तो उधर से एक बंदा बोल रहा है, आप हेलो हेलो हेलो, मैंने कहा हाँ जी बोलिए, जी मैं भुवनेश्वर से बोल रहा हूँ, मैंने आप बोलिए, बोले अरे अनिल शर्मा जी से बात करनी है, बोले हाँ मैं बोल रहा हूँ, अरे जी आपने क्या कर दिया, बवाल कर दिया, पागल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मैं बर्बाद हो गया, मैं ये हो गया, मैं हो गया, मेरा थिएटर टूट जाएगा, मेरा ये मेरा वो फलाना। अरे मैंने कहा हो बोल कौन रहे, बोले मैं भुवनेश्वर से थिएटर वाला बोल रहा हूँ, मैं सिनेमा ओनर हूँ, मैनेजर हूँ, मैं बोल रहा हूँ। मैंने कहा बोलिए, अरे लोग पैसे फेंक रहे हैं, पागल हो गए, 3,000 से ज्यादा पब्लिक बाहर आ गई है, इंटरवल, मैंने कहा अभी क्या बाहर आ गई है, मतलब क्या है, शो शुरू हो गया, बोले हाँ शो शुरू हो गया, अभी इंटरवल हुआ है और मैं बात कर रहा हूँ, लोग पैसे फेंक रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैंने कहा हो क्या रहा है, बोले साहब 3,000 पब्लिक बाहर आ गई है, कहती है हमें अभी इस पिक्चर देखनी है, थिएटर तोड़ देंगे मेरा। मैंने कहा भाई साहब मैं क्या करूं उसमें, हुआ क्या ये तो बोलो। बोले आपने ऐसी पिक्चर बनाई है, ऐसी पिक्चर बनाई है कि हर डायलॉग पे पैसे फेंके जा रहे हैं, इतने पैसे फेंक रहे हैं, पब्लिक पागल हो गई है, अभी इंटरवल के बाद भी ऐसा ही है या क्या है। मैंने कहा और 3,000 से आदमी बाहर आ गए थिएटर के बाहर, बार बार बोला। मैंने कहा कैसे आ गए, बोले लोगों को पिक्चर इतनी अच्छी लगी है कि लोगों ने मोबाइल से सबको बुला लिया कि सब शाम छोड़ो ये पिक्चर देखो, और पब्लिक पागल हो गई है, मेरे पास टिकटें कहां से लाऊं मैं। तो मैंने कहा क्या हो गया, बोले पिक्चर कमाल बनाई यार। मैंने कहा यार तुमने मेरी सांसें तोड़ दी, सांसें ऐसी की तैसी कर दी, तुम कर क्या रहे हो यार ये। मैं उन मैनेजर साहब का नाम भूल चुका हूँ, लेकिन जब भी कभी गदर का जिक्र होता है वो पहली खबर थी, इसलिए हमेशा उनको मैं याद करता हूँ, उनका ये फोन मुझे याद आता है। और मैं बहुत एक्साइट हो गया, मैंने कहा चलो भगवान ने सुन ली, अल्लाह ने सुन ली, बड़ा कमाल हो गया, बजरंग बली की कृपा हो गई है। और मैंने फोन रखा, वाइफ मेरी सामने थी, मैंने कहा हो गया गदर हो गई। तो तभी उन्होंने कहा ये सामने देखो, एक अखबार पड़ा हुआ था, अभी सुबह सुबह का मॉर्निंग अखबार आया था, उन दिनों जैसे मॉर्निंग अखबार चलते हैं, पढ़ा मैंने मॉर्निंग अखबार, उसमें लिखा हुआ था गदर एक प्रेम कथा को गदर काटा हुआ था, गटर एक प्रेम कथा लिखा हुआ। मैं देखा और मैं हंस गया, मैंने कहा यार ये जो भी बंदा है, ये बंदा पता नहीं, ये बंदा अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा को फ्रस्ट्रेटेड बंदा है, और कल प्रेस भी हुआ था उसका, इसलिए ये लिख दिया। बल्कि चल यार इसके लिखने से क्या है, जहां जिनको देख लिए, जिनको करनी है, जहां भुवनेश्वर से मेरे पास फोन आ गया थर्सडे को, वहां पिक्चर रिलीज हुई, 3,000 आदमी इंटरवल के बाहर आके खड़े हो गए इंटरवल के टाइम पर ही, तो सोचो क्या पागलपन, क्या फ्रेंजी होगी पब्लिक में। और साहब शाम को गदर का प्रीमियर हुआ और एकदम पब्लिक मैड हो गई प्रीमियर के बाद। और हमारे और सनी साहब, ना मैं विस्की पीता ना सनी सर पीते, हमारे बीच में तय हुआ था कि सर
अगर गदर हिट हुई जैसा हम सोच रहे हैं तो सर एक एक पैग लेंगे, तो ताज में पार्टी रखी थी जी ने, हम मेट्रो से सीधा ताज गए और ताज में मैंने और सनी साहब ने पहला जिंदगी में पैग का चीयर्स किया। वो पैग, वो शराब का घूंट आज भी मेरे दिमाग में है। और इतना वहां सुभाष गोयल जी थे और पूरे जी की पूरी टीम थी, जी स्टूडियो था और दे वर सो एक्साइटेड एंड थैंक्स जी ने इतना सपोर्ट किया उस फिल्म को बनाने में हमें। ये एक ऐसी फिल्म थी जिसके आई थिंक जिसके रात में 12 बजे के भी शोज थे और लोग भर भर के, जैसे आपने ट्रैक्टर का आपने जिक्र किया, ट्रैक्टर में से भर भर के गांव से लोग गए हैं जहां जहां। 3 बजे रात को भी शो थे, 6 बजे रात को भी शो, 6 बजे सुबह भी शो थे, सुबह के शोज थे, विच इज आई थिंक मेरे ख्याल से बहुत ही विच बेसिकली इज द मैजिक ऑफ सिनेमा विच इज एंड बहुत ही रेयरली वो चीज होती है। आई थिंक गदर के बाद में मेरे ख्याल से शायद आई थिंक शायद सैराट के लिए शायद महाराष्ट्र में देखा गया है वो सेम चीज कि रात में 12 बजे के शो सुने हैं या जो भी जिस तरीके से, बट ऑल ओवर इंडिया ऑफ कोर्स जिस तरीके से गदर का जो सारा एक स्पेशली पंजाब में तो आई थिंक इट वॉज एब्सोल्यूट मैडनेस, इट वॉज एब्सोल्यूट मैडनेस। महाराष्ट्र में इस पिक्चर का बहुत बड़ा मैडनेस था, आप बिलीव नहीं करेंगे। इस पिक्चर का मालूम है सबसे बड़ा बिजनेस कहाँ हुआ है? सबसे बड़ा लोग कहते हैं सबसे बड़ा बिजनेस महाराष्ट्र में हुआ है। इट्स अ ह्यूज मार्केट है साइज के हिसाब से भी, इट्स अ ह्यूज मार्केट। अनिल जी, ये सदी की नई सदी की शुरुआत थी और जिस तरीके से इंडस्ट्री को भी एक बॉक्स ऑफिस की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, कैसे हदें जो है वो क्रॉस हो सकती है, वो भी इस फिल्म से लोगों ने देखा, एक्सपीरियंस किया। How much of एक morale boosting था ये event पूरी industry के लिए? किस तरीके की feedback आपको distributors से, producers से? अरे भाई ऐसा है, मेरे पास star के star से मेरे पास एक दिन एक message आया और मेरे पास star के उदय शंकर जी से मेरी बात हुई और उन्होंने मेरे पास एक बंदे को भेजा जो कि फॉक्स का सीईओ था, वाइस प्रेसिडेंट था हांगकांग का। वो मेरे पास आए, मेरे पास बैठे, मेरे से काफी चर्चा की और मुझे बोले मैं बॉम्बे में आया हूं, सबसे पहले मैं आपसे मिलना चाहता हूं। मैं हिल गया, मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? तो बोले कि यू नो गदर का क्या फुटफॉल है, गदर का फुटफॉल इज मोर देन टाइटेनिक, द फिल्म हैज करेक्ट 170 मिलियन People have seen this film. तो बोले I want to meet the director जिसने ऐसी फिल्म बनाई। तो मैंने कहा मिल लो। मैं आ गया, मिल गया, ऐसा कुछ नहीं है। It's not me, it's a God. बोले you are very kind. मैंने कहा no, I'm not kind, I am true. जो होता है I believe in, मेरा trust है। हर आदमी गदर जैसी फिल्म बनाना चाहता, नहीं बना पाता ना। कभी कभी ईश्वर की कृपा होती है तो होता है। आज 4-5 फिल्मों में से मुगले आजम, मदर इंडिया, शोले में के बीच में अगर गदर का नाम लोग लेते हैं तो ये ईश्वर की कृपा ही हो सकती है। मैंने तो हर बार ही उतनी कोशिश की तो बनी नहीं ना, हर बार उतनी पिक्चरें हिट हुई, पिक्चरें बहुत हिट हुई, हुकूमत बहुत बड़ी हिट, शरद अली कितनी पिक्चरें मेरी हिट हुई है, हिट होने का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन गदर तो गदर है। अनिल जी, आपने हमेशा अपने एक बड़े कैनवस की आपने फिल्में बनाई, यू ऑलवेज इमेजिन द कैनवस टू बी ह्यूज। Now, बहुत से जो सीक्वेंसेस हैं फिल्म के वो बहुत ज्यादा आई थिंक बहुत ही ग्रैंड लेवल पे फिल्माए गए हैं। हैंडपंप का सीन है आई थिंक वो दुनिया भर में मशहूर है, या फिर जो ट्रेन का सीक्वेंस है वो एक जिस तरीके से पूरा शूट किया गया है वो आई थिंक मेरे ख्याल से इंडियन सिनेमा में आई थिंक बहुत ही रेयरली इस तरीके का ग्रैंड तरीके से कोई सीन शूट किया गया होगा। गानों का पिक्चराइजेशन बहुत बहुत कमाल का। लेकिन अगर ये आप ये जो हम लोग फोटोज देखते थे, कभी कभी डॉक्यूमेंट्रीज देखते थे तो ऐसा लगता था कि ये क्या है, फिर हमको पिक्चर बनाने का अवसर मिला। तो जब मैंने मुझे आज भी याद है कि चक्की बैंक में पठानकोट में हमारे पास पहली बार ये ट्रेन सच के आई, संजय दवाड़े ने बहुत मेहनत की और हम इंजन लाए और आर्ट डायरेक्टर था हमारा पीडी था, उसने बहुत मेहनत की और हमने वो ट्रेन बनाई और जब उस ट्रेन को पूरी तरह भर दिया, कपड़े टांग दिए, ये टांगा वो टांगा, सारी दुनिया के सामान टांग दिए और जब वो ट्रेन सामने आई तो ऐसा लगा कि जैसे कि हमने अतीत को देख लिया,
जो हमने फिल्म डिवीजन की डॉक्यूमेंट्रीज में देखा था या फोटोज में देखा था वो हमारे सामने जिंदा था। हम आपको बता नहीं सकते वो उस एक्साइटमेंट को, उस एड्रेनल को जो हमारी रगों में दौड़ रहा था, बता नहीं सकते थे। उसका उदाहरण इतना ही है कि जब जब वो ट्रेन रेडी हो गई तो वो ट्रेन के अंदर हमको ट्रॉली चाहिए थी उसको शूट करने के लिए, हमें मैनुअल ट्रॉली मिली, हमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रॉली मिली नहीं रही थी, इलेक्ट्रिक ट्रॉली। तो हम फिर भी हमारे अंदर इतनी दीवानगी थी और बेवकूफी थी, हमने 3 कैमरे उस पर लगा दिए और हमने कहा हम इसको फॉलो करेंगे, ट्रैक पे आगे ट्रॉली और पीछे ट्रेन कोई आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर पीछे आधा, और ट्रेन भागती हुई आ रही है और 12 फाइटर 13 फाइटर उस हमारी ट्रॉली को भगा रहे हैं, और ट्रेन आ रही है ट्रॉली पीछे जा रही है, मगर कितना वो 40 मील की स्पीड से ट्रेन चल रही है, हमारी ट्रॉली थोड़ी ऐसे चल सकती है। आते आते हमसे 50 फुट आगे रह गई ट्रेन और हम चिल्ला रहे हैं रुक जा, और हम लोग बैठे ऐसा लगा था हमारे ऊपर से उड़ जाएगी, एक तो इंजन की साउंड ऊपर से उसमें दिखता कुछ नहीं है, वो प्लेटफॉर्म के पास आ गई थी ट्रेन, इधर प्लेटफॉर्म से भी सब लोग चिल्ला रहे रुक जा, और हम सब लोग कूदे मगर फिर भी कैमरे 3-3 कैमरे कैसे, और सब ऐसा लगा कि आज जिंदगी खत्म हो गई, कोई रास्ता ही नहीं है, मगर कैसे भी ड्राइवर ने देख लिया और 50 फीट से ड्राइवर कैसे रोकेगा, उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाया 5 फीट पहले ट्रेन रुकी, ऐसा सांसें ऐसी चढ़ गई थी। और बाद में आज सोचता हूं तो लगता है यार उस वक्त की दीवानगी थी, सिनेमा का पागलपन था, आज सोचता क्या बेवकूफी थी यार, एक दिन आगे शूट कर लेते, मोटर ट्रॉली का वेट कर लेते, लेकिन कैसे करता, वो जो कलाकार बनता, वो जो डायरेक्टर बनता, जो पागल हो रहा था, जिसने इतनी बरसों तक ये फोटोज देखे थे, इतने दिनों बरसों बचपन से वो डॉक्यूमेंट्रीज देख रहा था, पहली बार उसको जिंदा देख रहा था, उस विजुअल को उसको शूट करना था, वो दीवानगी, वो पागलपन, वो डायरेक्टर को रोक ही नहीं रहा था, और डायरेक्टर मजबूर था अपने इमोशंस के लिए उस क्षण में वो शूट करने के लिए, और मैंने किया बस। आज सोचता हूँ तो पागलपन है, फिर सोचता हूँ नहीं दीवानगी थी यार, क्या करें, यही तो हमारे बिजनेस का सबसे बड़ा लुत्फ है, हमारे डायरेक्टर का यही तो सबसे बड़ा पागलपन है, इसीलिए तो आदमी डायरेक्टर बनता है। डायरेक्टर बनके आप कई बार जिंदगी को आप भूल जाते हैं, अपने जीवन को, और आप सब कुछ अपना दांव पे लगा देते हैं। अनिल जी, सनी देओल और अमीषा पटेल की जो कमाल की जो एक जोड़ी इस फिल्म से सामने आई, हाईली इंटेंस जोड़ी, कुछ उसके बारे में आप बताएं। जस्ट ब्यूटीफुल, अमीषा नई थी पिक्चर में, हमने बहुत सारी लड़कियां हम ढूंढ रहे थे, बहुत सारे हीरोइनों से बात हुई थी, कोई करना नहीं चाहता था, कोई कहानी नहीं सुनना चाहता था, सबके अपने 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 पर्सपेक्टिव थे, सबकी अपनी अपनी दुनिया थी, किसी को लगता था पुराने जमाने की पीरियड फिल्म है, आजकल तो प्लस का टाइम है, हम क्यों करें, सबकी अपनी अपनी मजबूरियां नहीं होंगी या सबके अपने अपने विचार थे, वो राइट भी थे अपनी जगह, और सबके अपने भाग्य भी थे। तो हमने लड़कियों के ऑडिशंस शुरू किए, उन ऑडिशंस में एक लड़की अमीषा पटेल की थी, और 40 लड़कियों का ऑडिशन लिया, 400 फोटोग्राफ देखने बाद 40 लड़कियां सेलेक्ट की, 40 लड़कियों का ऑडिशन लिया, सभी लड़कियां अच्छी थी, उसमें से कोई भी बुरी नहीं थी, उनमें से कुछ लड़कियां आज पॉपुलर भी हुई हैं, लेकिन हमें अमीषा अपने फिल्म के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल लगी। और हमारा वो डायलॉग था कि मैं उस चक्कर चांद को तो नहीं छू सकता हूँ, सनी का डायलॉग था, तो हमें उसके क्लोजअप में वो चांद का वाले फीलिंग दिखती थी, तो हमने अमीषा को सेलेक्ट किया। और अमीषा बहुत टाइम की पावन, बहुत पढ़ी लिखी, अमेरिका से पढ़ के आई थी, और एकदम सोफिस्टिकेटेड, उसकी पर्सनैलिटी में वो सोफिस्टिकेशन था, बड़े घर की लड़की थी, उसकी बॉडी लैंग्वेज में था, और सनी देओल साहब को हमने दिखाना था देहाती ट्रक ड्राइवर, तो वो दोनों एकदम मैच हो गए। अमीषा को कोई ज्यादा उसमें एक्टिंग नहीं करनी पड़ी, क्योंकि अमीर घर की लड़की थी, उसको मालूम ही था वो बिहेवियर कैसा है, सिर्फ हमें उसको बहुत मेहनत करके 6 महीने तक मैं उसके साथ रोज बैठता था, 4 घंटा मेरे घर आया करती थी, हफ्ते में 5 दिन, जहां मैंने उसको पूरी तरह सकीना बनाने की कोशिश की, सीन्स की, सेटिंग्स की, और वो सकीना बन गई, आज तक भी वो अमर हो गई इस पिक्चर से। सनी सर तो सनी सर है वो तो। हाँ, अगर म्यूजिक की बात करें, उत्तम सिंह जी ने म्यूजिक दिया है, और ऐसा कमाल का मेलोडियस म्यूजिक जो कि आई थिंक मेरे ख्याल से हमेशा याद रखा। अभी क्या उनके गाने, उत्तम जी के गाने अभी लोग कहते हैं कि वो फोक सॉन्ग्स बन गए, उड़ जा काले कावा फोक सॉन्ग की तरह लोग सोचते हैं, आप राजस्थान में जाओ तो लोग बजा रहे होते हैं, लोगों को लगता है उत्तम जी ने कोई फोक सॉन्ग तो नहीं ले लिया, एक तरह में बजाते हैं, बट ये ऐसा फिल्म का एक ऐसा गाना है जो कि गाना गाने के बाद फोक सॉन्ग बना, उड़ जा काले कावा, और आनंद बख्शी साहब का कंट्रीब्यूशन, मैं निकला गड्डी लेके, माइंड ब्लोइंग,
मुसाफिर जाने वाले नहीं फिर आने वाले, एक से एक है जो हुई है वो ठुमरी थी हमारी, कमाल की ठुमरी थी। चंदा आए, तारे आए, आने वाले सारे आए। वो म्यूजिक तो कमाल था। क्या था कि 47 की पिक्चर थी, 2000 में लोग देखने वाले थे, उस पिक्चर के म्यूजिक को बहुत बैलेंस किया गया। डेफिनेटली एंड बहुत ही कमाल का उसमें पिक्चराइजेशन भी बहुत अच्छा था, बहुत खूबसूरत तरीके से पिक्चराइज किए गए सारे गाने। फाइनली अनिल जी, फिल्म आपकी रिलीज होती है लगान के साथ में और दोनों फिल्में बहुत कामयाब होती हैं, तो ये जो एक उस वक्त क्या आप लोगों का कुछ एक एक, एक आप लोगों को स्ट्रेस था कि यार ये भी एक बड़ी फिल्म रिलीज हो रही है? कोई स्ट्रेस नहीं था। मैं तो बिलीव करता हूँ 10 फिल्म भी एक दिन रिलीज हो तो होंगी अच्छी होनी चाहिए, कोई स्ट्रेस नहीं था। और दोनों फिल्में अच्छी थी, दोनों चली, और गदर गदर और लगान भी अच्छी गई। ऑफ कोर्स, एंड आई बिलीव आपने लगान शायद देखी भी थी जब रिलीज हुई थी। मैं तो हर अच्छी पिक्चर देखता हूँ और अच्छी बुरी भी देखता हूँ। पिक्चरों का तो शौकीन हूँ मैं, बिल्कुल देखता हूँ। गिटी में लगान लगी हुई थी या और गैलेक्सी में शायद गदर लगी हुई थी, दोनों थिएटरों में लगी हुई थी दोनों पिक्चर। ऑफ कोर्स। ऑलराइट अनिल जी, फाइनली कौन सी ऐसी याद है गदर की जो आज आपको रह रहे के आ रही है, वो उड़ीसा के डिस्ट्रीब्यूटर के अलावा और वो पहले पैक के अलावा? बहुत सी यादें हैं। एक लम्हा जो मैं कभी भूल ही नहीं पाता हूँ, जो मेरे क्लाइमेक्स का लम्हा था, जब मैंने अलाउ कर दिया उत्कर्ष जो कि 5-6 साल का था, चलती हुई ट्रेन में सनी सर के कंधे पे। मतलब कभी आपने सुना है कि शॉट शुरू हुआ और डायरेक्टर ने आंख बंद कर ली हो? कभी शॉट शुरू हुआ और ट्रेन जा रही है और सनी अमीशा और विवेक शॉक और उत्कर्ष जो है सनी के कंधे पे भागता हुआ जा रहा है, चौपर उनको कैप्चर करा एक डब्बे से दूसरे डब्बे में, ऐसा शॉट था 40 किलोमीटर की स्पीड की ट्रेन की, और मैं घबरा गया। मैंने अलाउ कर दिया। अलाउ करने के बाद अचानक मेरे मन में करोड़ों तरह के सवाल आ गए, मैंने क्या किया? और मैंने जैसे ही मैंने आंखें बंद कर ली, मैं बस से भगवान को याद कर रहा था मुझसे क्या होगा। उस लम्हे में मेरी सारी बॉडी का खून जम गया था, वो कहते ना खून बर्फ हो जाना, वो एक्सपीरियंस मैंने किया था। मुझसे क्या डर हो गया, कुछ भी गलत हो जाए, एक बच्चा भले वो किसी दूसरे का बच्चा तो मुझे कभी अलाउ नहीं करता, कोई दूसरा माँ बाप भी अलाउ नहीं करते इस चीज के लिए, और ऊपर से सनी सर को भी मैंने मुश्किल में डाल दिया, उनके लिए एक्टिंग के अलावा एक और जिम्मेदारी बच्चे को भी संभाल। तो ये बेवकूफाना हरकत थी मेरी एज ए डायरेक्टर, मगर कर गया वो साला। मैं एज ए डायरेक्टर कई बार बहुत पैशनेट हो जाता हूँ, ब्लडी एंड फूल। आज भी वो सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैंने क्यों किया ऐसा। और उत्कर्ष से अब कभी कभी पूछता हूँ, कभी आप उत्कर्ष से पूछना उसकी मेमोरीज क्या है इसके बारे में, वो आपको बताएगा। तो उत्कर्ष से पूछता हूँ, वो तो कहता मुझे तो कुछ याद ही नहीं है, मुझे पता नहीं, मैंने तो मतलब ऐसे पकड़ लिया था, मुझे इतना याद है। वो बच्चा था, उसको तो लग रहा था वो वीडियो गेम खेल रहा है। अनिल जी, लवली टॉकिंग टू यू एंड बहुत बहुत मुबारकबाद आपको वंस अगेन, 20 इयर्स ऑफ कदर। एंड हम तो यही चाहेंगे किसी तरीके से इस फिल्म की कामयाबी और बढ़ती चली जाए, एंड इसी तरीके से आप फिल्में बनाते रहे। थैंक यू वेरी मच। आप तुम अपना ख्याल रखो और हैव टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड योर सेल्फ। हाय, मैं हूं अनिल शर्मा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा। प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, ये बहुत ही कमाल का चैनल है, आपको बहुत एंटरटेनमेंट करेगा।